जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज आपकी मूवी है और कुछ देखने आए हैं? जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यहाँ मेरे फादर को लेके आया हूँ। मेरे डैड एक्चुअली बहुत कम थिएटर आते फिल्म देखने के लिए, तो ये फिल्म थोड़ी लोगों ने मेरा काम सराहा है, तो मेरे वाले साहब को कहीं से पता चला, उन्होंने मुझसे कुछ कहा था कि मुझे ये फिल्म थिएटर में देखना है, तो मैंने इसलिए पूरा उनके लिए अरेंज किया है। और मेरे उस्ताद भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो देख के बताएं उन्हें कैसा लगता है, तो मुझे और सीखने मिले। कौन कौन आए हैं? बात करें पापा के साथ मेरी पूरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बस फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया मैंने। और जस्ट प्राइवेट स्क्रीनिंग मेरी शुरुआत ड्रामे से हुई थी, मैं स्टेज करता था, फिर उसके बाद में मैंने अपना एमेच्योर ग्रुप था, मैं अपने ग्रुप के लोगों को लेके ड्रामे करता था, फिर बाद में प्रोफेशनल प्ले, गुजराती प्लेस प्रोड्यूस किया हूँ, हिंदी प्लेस प्रोड्यूस किया हूँ, डायरेक्ट किया हूँ प्लेस, कमर्शियल प्लेस किया हूँ, देन कहीं से मतलब एक मूवी थी क्या यही प्यार है, कहीं से मेरी मुलाकात हुई थी उन लोगों से। यह था किस्सा कि जो रोल मैं कर रहा था उस फिल्म में वो कोई और कर रहे थे, अमजद खान साहब का बेटा शादाब कर रहा था, उस बेचारे का एक्सीडेंट हो गया था और पूरी यूनिट निकल चुकी थी, तो 5 दिन में उनको शूटिंग शुरू करनी थी, तो कहीं से उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, बताया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, और ये फिर ऐसे करके मेरी फिल्मी सफर शुरू हुई है। फिर सलमान भाई, सोहेल भाई के साथ काम किया है, कर रहा हूँ। सबसे बड़ा गुरु माँ बाप होते हैं, आपके फादर बहुत ही गुरु कह सकते हैं, कॉमेडी के जैसा कह सकते हैं। जी हाँ, एक टाइम था कि बिना आपके फादर की मूवी कॉमेडी बहुत बिकती रही थी, गोविंदा और आपकी बहुत अच्छी, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे फादर मेरे उस्ताद हैं, उनसे ही सब सीखा है, मैं उनका असिस्टेंट रह चुका हूँ, तो एक शिष्य होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि काम ऐसे करके दूँ कि उस्ताद का नाम अगर उठा ना पाऊँ तो गिरा तो ना पाऊँ, बस ये मेरी मेहनत और मेरा काम के पीछे बस यही मंशा है मेरी, के जहाँ से लोगों ने उनके डायलॉग्स इतने कहे हैं, अमित जी ने कहे हैं, अमित जी सुपरस्टार हीरो रह चुके हैं, बड़े बड़े एक्टरों ने कहा, तो ऑफकोर्स इतने बड़े बड़े दिग्गजों ने उनके साथ काम किया, वो मुझे कभी मिलते हैं बताते हैं मेरे वालिद साहब के बारे में, तो ये ऑफकोर्स चीज़ें बहुत लगती हैं, बस ये लगता है कि कुछ मैं भी कर लूँ उनकी औलाद होके। इसकी बात करें वंस अपॉन ए टाइम मुंबई दोबारा, उसके एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अक्षय है, आप काफ़ी सीनियर हैं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, अक्षय सर जो हैं वो मेरे काफ़ी सीनियर हैं, इनफैक्ट वो फैमिली हमारे, मेरे डैड के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता है, उनके साथ काम करने पहली बार मौका मिला है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी मिली मुझे, उनकी जो पंक्चुअलिटी है, उनका डिसिप्लिन अपने काम में, उनका डिसिप्लिन अपने प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ एवरीथिंग, काम को कैसे लेते हैं, यही सब सीखने मिलता है कि आदमी जब इतने बड़े पैमाने पे आता है, इतने बड़े पोजीशन पे आता है, तो उसके पीछे उसकी मंशा, उसकी लगन बहुत होती है, और आज भी वो है तभी वो इतने बड़े स्टार है, यही हमें सीखने मिलता है। और मैं चाहूँगा ये मैं लोगों को भी बताऊँ, कहने में है कि आराम पसंद वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, 2-2 घंटे सो के भी वो वक्त पे आके पहुँच के काम करते थे, कभी 3-3 घंटा बैठते थे, लोग वेट करते थे, ही इज अ सुपरस्टार, बट ही शुड डू दैट एंड दैट मेक्स हिम वेयर ही इज। अगर बात करें पापा के बारे में, पापा बहुत कम मीडिया में छाए रहते हैं, उनका काम बोलता है, शायद ही कोई ऐसा चैनल जो इंटरव्यू, खान साहब बहुत कम इंटरव्यू देते हैं, जी जी, बहुत ही लिमिटेड है, क्या कहना? मेरे वालिद साहब, उनका एक्चुअली वो उस जमाने से इंडस्ट्री में है जब अपने काम के बारे में लोग कहते थे, आदमी खुद नहीं कहता था मैं ऐसा हूँ, तो वो इसलिए उस जमाने के हैं, मीडिया से इंटरेक्शन इसलिए कम करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ उनका खास ये नहीं है, बस मेरे वालिद साहब हैं अल्टीमेटली, तो मैं उनसे थोड़ी कुछ कह सकूंगा, वही मुझे बताएंगे क्या करना लाइफ में, मगर हाँ इतना बोलूंगा कि वो कम रहते हैं, कम मगर काम काफ़ी करते हैं, मगर बात उसके बारे में कम, वो कहते हैं काम बोलना चाहिए वो, और मैं उस बात को मानता हूँ, जहाँ से खड़े थे वही लाइन शुरू हो जाती है, ये भी अलग ही है, ये एक्चुअली कोई और कहे तो अच्छी, आपने कहा तो मुझे इस बात की ज्यादा खुशी हुई कि अगर बनिस्बत मैं कहूँ तो फैंस मोहब्बत करने वाले कहते हैं, एक आर्टिस्ट को इससे बड़ी चीज़ और कोई नहीं चाहिए होती। इस फिल्म की बात करें वंस अपॉन अ टाइम, क्या कहना है किरदार के बारे में, क्या कुछ एक्सपीरियंस कैसा रहा? किरदार मेरा जावेद है, शोएब जो अक्षय सर हैं उनके साथ एक दोस्ती रिश्ता है, बचपने के दोस्त हैं,
साथ में यहाँ तक पहुँचे हैं, एक दूसरे को अंदर से जानते हैं। आज जावेद मैं जानता हूँ शोएब क्या है, जो कोई और नहीं जानता। मुझे जानता उसके बाद के पीछे उसका मतलब क्या होता है। तो एक सच्चा दोस्त है उसका, काम गलत कर रहे हैं मगर सच्चा दोस्त है, उसमें ईमानदारी है। अपनी जिंदगी उसको उसे ओन कर ओ करता है, क्योंकि आज जहाँ जावेद भी है तो उसमें शोएब का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे जावेद ने अगर शोएब की अगर जान बचाई इसमें तो पहली बार बचाई है, अक्सर शोएब नहीं बचाया जावेद को। कहने की कॉमेडी को आगे लेके जाना चाहेंगे आप? मैं तो एक्टर हूँ, हर चीज को आगे लेकर जाता है 100%। मैं एक एक्टर हूँ, मैं जो किरदार मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। अगर ऐसे कोई किरदार अगर आएंगे मेरे सामने फॉर शो करूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कैसे लगेगा, वो तो करने के बाद ऑडियंस बताएगी। मगर हाँ, मैं जहाँ तक कॉमेडी का ताल्लुक है, मैंने स्टेज पे कैरेक्टर्स किए हैं जो थोड़े ऐसे रहे, तो या आई वुड लव टू डू इट। देखें कहाँ चलते हैं, अभी तो बहुत अरसा बाकी है। आप लोगों को बहुत मिलना है, देखना है। जैसे वक्त आता रहेगा, काम आता रहेगा, आप लोगों के सामने रखना है। आप ही बताओगे कैसे। मैंने बताया था आपको कि मेरी मुलाकात जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर थे उनसे मॉरिशस में हुई थी। मैं वहाँ गया था इसी वेकेशन पे, तो मुलाकात हुई, फिर मैं आ गया। आने के बाद मुझे हफ्ते भर फोन आया कि उनको जाना है वापस। उन्होंने आए थे वहाँ शूटिंग की रखी करने के लिए, लोकेशन ढूंढने के लिए। बोले उनको मॉरिशस जाना है, वो और प्रॉब्लम ये होगी कि शादाब का ब्रेन फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा 2 महीने तक वो हिल नहीं सकता। सो दे वांटेड मी टू साइन इट। आई मेट द डायरेक्टर अगेन, फिर ऐसी शुरुआत हुई। जबकि मैंने जो पहली फिल्म जो साइन की थी वो सोहेल भाई की थी, मैंने दिल तुझको दिया। एंड उसमें चूंकि राइटिंग चल रहा था और ये चल रहा था, तो वो फिल्म शुरू बाद में हुई, मगर पहली फिल्म जो मैंने साइन की थी वो सोहेल भाई की थी।